हेलो, दिस इज एन केमिस्ट्रा एंड यू आर वॉचिंग एन केमिस्ट्रा क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे एज इफ और एज दो का प्रयोग और इसके साथ में ये हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का प्रयोग कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है, क्योंकि अब तक आपने सीखा होगा कि एज इफ के बाद में वर का प्रयोग करेंगे, एज इफ के बाद में वर का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम आपको वज का प्रयोग करना भी बताएंगे। आखिर वज क्यों ऐसे यूज किया जाए, क्यों यूज किया जाए या फिर नहीं करना चाहिए, कहाँ यूज होता है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद एज इफ के साथ में आप कूड का प्रयोग वुड डिड हैड टू वुड हैव टू मेन वर्ब पास्ट फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, मतलब कुछ अलग। सिर्फ एज इफ जितना बतलाया जाता है, जितना आप जानते हैं, उससे कुछ एक्स्ट्रा आपको बतलाने वाले हैं। तो जरूरी है कि इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे, तब आप ये पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, ताकि आप किसी को पढ़ा पाएँ, किसी को सिखा पाएँ, किसी को बता पाएँ, और या फिर स्पोकन और रिटन में आप इसका यूज कर पाएँ। तो जरूरी है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इससे संबंधित हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। जरूरी है, हम आपसे क्वेश्चन करते रहते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे क्या पूछा था आपको याद होगा, अगर आप पहले वाले वीडियो को देखे होंगे तो मैंने आपसे किस तरह का क्वेश्चन किया था देख लीजिए। जो कलम मैंने तुम्हें दिया था वह मुझे दे दो, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आप पढ़े हैं तो ये आसान हो जाएगा। और उसके बाद विच का प्रयोग कंजक्शन के रूप में पढ़े हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो जो कलम मैंने तुम्हें दिया था वह मुझे दे दो, तो पहले हम लिखेंगे गिव मी, हम लिखेंगे गिव मी यानी कि मुझे दे दो क्या, तो गिव मी द पेन, पेन दे दो, गिव मी द पेन, मतलब वो पेन दे दो, कौन वाला, जो कलम मैंने तुम्हें दिया था। तो यहां पर क्या है कि विच का प्रयोग करेंगे और विच कंजक्शन की तरह यूज करेंगे, जोड़ेंगे दो सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो गिव मी द पेन विच, मतलब जो, आई गिव यू, आई गिव यू। अब इसे आप समझ गए होंगे, और आप लोगों का भी आंसर, अधिक लोगों का आंसर बिल्कुल सही था, जैसे गिव मी द पेन विच आई गिव यू, जिस कलम को या जो कलम को मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे दे दो, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, एज इफ के बारे में और डिटेल जानकारी लेते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको देते रहते हैं, और इस वीडियो को जब भी लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल चीज़ों को समझ लेते हैं जो आपको पता है, और इसके बाद बताएंगे जो आपको नहीं पता है। तो सिंपल चीज़ों को देख लेते हैं, एज इफ के बाद में वाज का प्रयोग एंड वर का प्रयोग कब करें, क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें। तो एज इफ के बाद में वाज का प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह अमेरिकन इंग्लिश माना जाता है, अगर आप एज इफ के बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर का प्रयोग करते हैं तो फिर आप ब्रिटिश इंग्लिश माना जाएगा। तो फिर आप कौन सा इंग्लिश सीख रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश की मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए आप यहाँ पर वर का ही प्रयोग करेंगे। अगर किसी कंपटीशन में लिखना है, कहीं भी लिखना है, ग्रामेटिकली करेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको वर का प्रयोग करना पड़ेगा, वज का नहीं। अब सेंटेंस देख लेते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस होगा, जैसे सी डांसेज एज इफ सी वर एंड एक्ट्रेस, सी वर एन एक्ट्रेस, वज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये तो आपको मैं बतला दिया हूँ कि ब्रिटिश इंग्लिश में वज का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, इस तरह के सेंटेंस में एज इफ के बाद में। तो सी डांसेज एज इफ सी वर एन एक्ट्रेस, वह इस प्रकार नाचती है मानो, या फिर मान लीजिए कि वह एक्ट्रेस है। उसके बाद ही लुक्स एज दो भी कर सकते हैं, एज इफ के बदले में एज दो का प्रयोग भी कर सकते हैं, और इसका मीनिंग भी होगा, मान लीजिए तो ही लुक्स एज इफ ही वर अ हीरो, वह ऐसे दिखता है मानो वह हीरो है, आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह। उसके बाद है ही बिहेव्स एज इफ ही वर एन एमपी, वह ऐसे व्यवहार करता है, वह ऐसे व्यवहार करता है मानो वह एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद यू ऑर्डर्ड मी एज इफ यू वर माय बॉस, तुमने मुझे ऐसे आदेश दिया मानो तुम मेरा बॉस हो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। शी स्पीक्स एज इफ सी वर अ लीडर, वह ऐसे बोलती है मानो वह लीडर हो। तो अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से पास्ट प्रेजेंट कुछ भी कर सकते हैं, को ऐसे बोलता है, वह ऐसे बोलता था कि मानो ऐसा है, तो बाद में आप वर का प्रयोग करेंगे, वज का नहीं। यहां पर
उसके बाद देखते हैं हैड टू का प्रयोग, जो बिल्कुल न्यू है इसे समझना जरूरी है, क्योंकि जो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, जो हमेशा हर जगह नहीं मिलता है, उसे सीखना जरूरी है। जैसे एज इफ के बाद में हैड टू का प्रयोग करेंगे, क्या मीनिंग होगा देख लीजिए। सेंटेंस देखिए, उसके बाद हिंदी भी हम बताएंगे आपको। शी वॉज रनिंग एज इफ शी हैड टू कैच द ट्रेन। जिस प्रकार हैव टू हैज टू का प्रयोग आपको कभी बतलाए होंगे, उसी प्रकार ये भी होगा। जैसे वह इस प्रकार दौड़ रही थी, वह ऐसे दौड़ रही थी मानो उसे ट्रेन पकड़ना हो, यानी कि कोई काम करना हो, ना हो। अगर हिंदी में समझाने के लिए लिख दे तो ना हो, जैसे वह ऐसे दौड़ रही थी मानो उसे ट्रेन पकड़ना हो। उसके बाद ही रैन अवे एज इफ ही हैड टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस। वो तो ऐसे दौड़ के भागा मानो वह पुलिस से बचा हो या बच रहा हो, उस प्रकार से, या उसे पुलिस से बचना हो। कंपल्सन नेसेसिटी ऑब्लिगेशन का प्रयोग के लिए हम यहाँ पर हैड टू का प्रयोग करेंगे। ही गॉट अप सो अर्ली एज इफ ही हैड टू लीव फॉर नेपाल। वह इतना सवेरे उठ गया कि मानो उसे नेपाल जाना हो, कहीं पर जाना होता है तो लोग सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, तो वही हम बोल रहे हैं कि वह इतना सवेरे उठ गया कि मानो उसे नेपाल जाना हो। उसके बाद है ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही हैड टू क्वारल विद मी। वह ऐसे बोल रहा था मानो मुझे क्या उसे झगड़ा करना हो, वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था, ऐसे मुझसे बोल रहा था कि मानो उसे मुझसे झगड़ा करना हो। यू आर लुकिंग एट हर एज इफ यू हैड टू मैरी हर। तुम उस पर ऐसे देख रहे थे मानो तुम्हें उसे शादी करना हो। तो देखिए एज इफ के साथ में हम हैड टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। कब? जब किसी को कोई काम करना हो, यानी कि यहाँ पर नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए या कंपल्सन को एक्सप्रेस करने के लिए, मजबूरी विवशता बाध्यता को एक्सप्रेस करने के लिए एज इफ के साथ में हैड टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं वुड का प्रयोग कैसे करेंगे। इसमें और भी हम कुछ टिप्स बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जैसे ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वुड किल मी। वह मुझे ऐसे डांटा जैसे वो मुझे मार देगा। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई उसने तो मुझे ऐसे डांटा, उसने मुझे ऐसे देखा, लगा कि मुझे तो मार देगा। तो उस कंडीशन में अगर आपको लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है, जो भी एज इफ के बाद में जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं वो वास्तविक में ऐसा होने वाला नहीं होता है। तो इसे देख लीजिए, ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वुड किल मी। उसने मुझे ऐसे डांटा मानो वो मुझे मार देगा। उसके बाद शी वाज टॉकिंग टू मी एज इफ शी वुड बी माई फ्रेंड। वह मुझसे ऐसे बात करे थे मानो वह मेरी फ्रेंड बन जाएगी। वुड का प्रयोग, विल का प्रयोग नहीं करेंगे इस तरह के सेंटेंस में। यहाँ पर एज इफ के बाद में जो भी हम जिस प्रकार का वर्ब यूज करेंगे वो पास्ट फॉर्म में होगा, इसलिए विल का वुड हो जाएगा। ही टुक आउट अ सोर्ड एज इफ ही वुड बी हिट मी। उसने तो ऐसे तलवार निकाला मानो मेरा गर्दन उड़ा देगा, गर्दन काट देगा। उसने इस प्रकार से तलवार निकाला। उसका शी वाज स्माइलिंग एट मी एज इफ शी वुड इन्वाइट मी टू टी। वह मुझ पर ऐसे मुस्कुरा रही थी मुझे देख करके मानो अब मुझे चाय पर बुलाएगी। तो अब क्या है कि इसके साथ में वुड हैव टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। वुड हैव टू। अब आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, देखिए हर कुछ नहीं, आपको भी काम करना होगा। वुड हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे करना पड़ेगा, वह मुझे ऐसे आदेश दिया कि मुझे ही यह काम करना पड़ेगा। जैसे ही ऑर्डर्ड मी एज इफ आई वुड हैव टू डू दिस वर्क या फिर डैट वर्क। उसे मुझे ऐसे आदेश दिया जैसे मुझे ही इस काम को करना होगा, करना पड़ेगा। तो वुड हैव टू, देखिए ये इतना एडवांस सेंटेंस है कि आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा तब कंसेप्ट क्लियर होगा, या प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं सेंटेंस क्या है, कूड का प्रयोग भी कर सकते हैं किस प्रकार से। जैसे कूड का जो सिंपल मीनिंग है वही होगा, लेकिन कैसे होगा। जैसे ही वॉज सो इंटेलिजेंट एज इफ ही कूड पास द एग्जाम। वो इतना इंटेलिजेंट था मानो वह परीक्षा पास कर सकता था। नहीं किया लेकिन इंटेलिजेंट बहुत था, परीक्षा पास कर सकता था, नहीं कर पाया। ही रैन सो फास्ट एज इफ ही कूड कैच द ट्रेन। वह इतना तेज दौड़ा मानो वह ट्रेन को पकड़ सकता था। उतना तेज दौड़ा कि मानो ट्रेन को पकड़ सकता था लेकिन नहीं पकड़ पाया। ही वॉज सो वीक एज इफ शी कूड नॉट रन फास्ट। और वह इतना ज़्यादा वीक थी, इतना ज़्यादा कमज़ोर थी कि वह तेज दौड़ नहीं सकते थे। एक कल्पना करें कि भाई इतना कमज़ोर थी कि तेज दौड़ नहीं सकते थे। उसके बाद है शी वॉज सो पुअर एज इफ शी कूड नॉट हेल्प अस। वह इतना ज़्यादा गरीब थी कि हम लोगों को किसी तरीके से मदद नहीं कर सकते थे।
उसके बाद दे वर सो रिच एज इफ दे कुड कुड बाय एवरीथिंग, वे लोग तो इतने अमीर थे मानो वे लोग सब कुछ खरीद सकते थे। तो इस प्रकार से इन सेंटेंस को आप बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे और इस पर कमांड करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपसे कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखिए। और इसके बाद में सेंटेंस को देखते हैं, एज इफ के बाद में मेन वर्ब पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस तो क्रिएट करने वाली चीज है। आप चाहें तो जितना सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, सिचुएशन को देखते हुए सेंटेंस को क्रिएट कीजिए। और इससे क्या है कि आप में सेंटेंस क्रिएशन की क्षमता बढ़ेगी, आप स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में बेहतर हो सकते हैं। तो एज इफ के बाद में हम ये मेन वर्ब को पास्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सो देख लेते हैं। शी वॉज स्पीकिंग एज इफ शी न्यू एवरीथिंग, वह ऐसे बोल रहे थे मानो उसे सब कुछ पता हो। क्वेश्चन भी करने वाले हैं इसलिए सही से देख लीजिए, वह ऐसे बोल रहे थे मानो उसे सब कुछ पता हो। यू रैन अवे एज इफ यू स्टोल समथिंग फ्रॉम हियर, तुम तो ऐसे दौड़कर भागा मानो तुम यहाँ से कुछ चुरा लिए हो। उसके बाद यू ऑर्डर्ड मी एज इफ ही बीकेम माई बॉस, उसने तो मुझे ऐसे आदेश दिया मानो वह मेरा बॉस बन गया है या फिर बन गया हो। उसके बाद शी वॉज लुकिंग एट यू एज इफ ही न्यू ऑल द सीक्रेट्स, मतलब वह तुम पर ऐसे देख रहा था मानो उसे सब कुछ पता हो। उसके बाद ही केम बैक सून एज इफ ही लिफ्ट समथिंग एट होम, वह इतना जल्दी वापस चलाया मानो घर पर उसे कुछ छूट गया हो। तो ये सेंटेंस एक प्रकार से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ इतना सिर्फ इसी सेंटेंस को देख करके आप समझ लिए और आप सीख गए तो ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि आपको सेंटेंस क्रिएट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर बस इस पर कमांड कीजिए, क्योंकि ऐसा चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। तो हम ऐसे चीज़ों को लाते हैं, आप होता क्या है कि ऐसे मित्र होते हैं हमारे जो थंबनेल को देख लेते हैं, उसे उन्हें लगता है ये तो बिल्कुल आता है, लेकिन नहीं, अब जब तक वीडियो के अंदर में नहीं जाएंगे तब तक कुछ नया नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो अगर आपको थंबनेल देखकर लगे यार ये तो आता है, फिर भी अंदर जाइए और देखिए, आपके लिए हमेशा कुछ नया लाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस हमारे वीडियो को देखते रहिए, और जो भी हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं उन सभी को बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमेशा बने रहते हैं मुझसे, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है, तुम ऐसे बोल रहे हो मानो तुम्हें सब पता हो। हम आपको बोल रहे हैं कि भाई आप तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि मानो आप सब कुछ जानते हैं, तो फिर आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। कभी कभी एक बात मैं सभी दोस्तों को मैं बतलाता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सवाल का जवाब देते हैं लेकिन मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। वजह क्या है कि मेरे पास भी कई सारे काम है और कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएँ आ जाती है, कभी तबीयत खराब तो कभी कुछ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अपवाद में रेयरली यस, ऐसी कभी स्थिति आ जाती है कि हम आपके सवाल हम आपके कमेंट को चेक नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए तो हम सॉरी बोल देते हैं। लेकिन मेरा प्रयास होता है कि जब भी आप कमेंट करते हैं तो एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं। तो आज का जो भी हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जैसे तुम ऐसे बोल रहे हो मानो तुम्हें सब पता हो, तो आपको क्या करना है इसका, अभी इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे अभी आप जवाब दीजिए और हम आपके कमेंट को चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।